हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके आने के चांसेस एग्जाम्स में बहुत हैं। सर, इसको हमने तीन कैटेगरीज में, जैसे पिछले वीडियोस में मैंने क्लासीफाई करा था। एक हो गया हमारा सर मॉडरेट हो गया, एक हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक हो गया हमारा अनएक्सपेक्टेड। ये तीन टाइप्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि यहाँ पे आया है। तुम्हारा सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कौन सा सर? स्ट्रक्चर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमिटी, प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, साथ ही साथ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। सर, कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं? सबसे पहला तो यहाँ पर निकल कर आएगा अदर नेम क्या है, लाइन को हम किस अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर तुमसे ये पूछा जाएगा कि अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है, कंप्लेंस कैसे फ्लो हो रहे होते हैं, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है ये बताना होगा, साथ ही साथ किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा होता है ये तुम्हें बताना होगा, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है, लार्ज यूनिट्स के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सुटेबल है। साथ ही साथ तुम ये भी कंसिडर कर सकते हो कि मोस्ट डेमोक्रेटिक कौन सा है, ठीक है। ये सारी छोटी मोटी बातें हैं, तुमसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पूछे जा सकते हैं। एक और पॉइंट बता दे रहा हूँ, जो कि है क्या लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें स्टाफ की ऑब्लिगेशन पूरी होती है या फिर स्टाफ जस्ट एडवाइस देने के लिए होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। फिर आती है हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज की। सारे मोटिवेशनल थ्योरीज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उन सबको कर लेना, इंपॉर्टेंट है यार। फिर आता है इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्लस्टर कम्युनिकेशन हो गया, ग्रेपवाइन नेटवर्क हो गया, ये सारी बातें तुमसे कम्युनिकेशन से पूछी जा सकती। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट दे रखा है। इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल तो सबको पता रहता है, लेकिन बच्चे एक्सटर्नल में फंसते हैं, ठीक है, उसे कंसिडर करना। फिर सिलेक्शन के वेरियस टाइप्स होते हैं, और आखिरी आता है टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि है सिंगल और स्टैंडिंग। इन सारे टॉपिक्स को तुम मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर सकते हो। बैठो, वीडियो एंड होने के बाद एक बार जस्ट रिवाइज करो, फिर क्वेश्चंस लगा लो। मॉडरेट की बात करते हैं। मॉडरेट में वैसे बच्चे वाले टॉपिक्स आएंगे, जिनको मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर रखा हो कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट के डेफिनेशंस क्या है, किन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था, साथ ही साथ मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारी बातें। फिर मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को एसेंस क्यों कंसिडर किया जाता है, तो ये सारी बातें इसमें आती हैं। अब बात कर लेते हैं अनएक्सपेक्टेड की। तो अनएक्सपेक्टेड में तुमसे मार्केटिंग पूछा जा सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पूछा जा सकता है। मार्केटिंग के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन कंसिडर करना यार, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी पूछने के चांसेस हैं। एक एडिशनल टॉपिक तुम्हें इंपॉर्टेंट मैं बताकर जाने वाला हूं, जो कि है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यार इंपॉर्टेंट है। और एक कहीं ना कहीं और तुम कंसिडर कर सकते हो, कैरेट स्टिक थ्योरी, इन्होंने दिया था, मतलब क्या कंसेप्ट रहा था ये पता है किसमें आता है, मोटिवेशनल थ्योरी के अंदर आता है कैरेट स्टिक थ्योरी। तो इसे यार एक बार जरूर कंसिडर करना, सुकून से करना। पहले ये सारे हो जाए तुम्हारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉडरेट एक बार रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद तुम अनएक्सपेक्टेड पे जाना। इतना कर लो, मैनेजमेंट पूरा कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस लगा के जाना। और पेपर में ये टेंशन मत लेना क्या आएगा कैसे आएगा, सब तुम्हारे अकॉर्डिंग आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे बाहर से आएंगे, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन तुम जितना तुमने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा उसी के अकॉर्डिंग पेपर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।